छाप तिलक तब जीने मौत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साल। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के ठीक पहले कई तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। उन रणनीति में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो बिहार का लोकसभा का चुनाव है। आपने देखा होगा तीन जगह पे विधानसभा के हुए चुनाव के परिणाम से भारतीय जनता पार्टी जितनी उत्साहित है उस उत्साह में अब उसका असर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भी देखने को लिए मिल सकता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी कारण से किसी भी चीज से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में लड़ने को लेकर के अपनी जो ताकत है वो पीछे नहीं छोड़ी है। अगर हम बातचीत करें एनडीए सरकार जब 2019 में या फिर उससे पहले जब बिहार में सरकार बनी थी, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही चेहरा था, लेकिन अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह के योजनाएं रणनीतियां बन रही हैं। आज देखिए मोदी कैबिनेट का एक बैठक था, इस बैठक में बिहार को एक बड़ी सौगात मिली है। दरअसल बताएं कि बिहार में सोनपुर और दुईया के बीच में 6 लेन पुल बनाने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है और लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से ये ब्रिज बनेगा। ऐसे में छपरा, मोतिहारी, अरेराज, वैशाली इन तमाम जगहों के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम होते हैं, ट्रक आते हैं बड़े बड़े, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं रास्तों से गुजरेंगे। यानी कि बिहार को, उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने का, या यूं कह लें कि उत्तर बिहार को पूर्वी बिहार के क्षेत्रों से जोड़ने की एक बड़ी जो योजना है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। नरेंद्र मोदी अब बिहार में अपनी सरकार चाहते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी 40 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए तरह तरह की योजनाएं बिहारवासियों को मिल रहा है। चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक है। अनुराग ठाकुर इस पूरे मसले पर जब कैबिनेट की बैठक में जो भी फैसला लिया गया है उस पर अपनी राय रख रहे हैं, वो हम आपको सुनाते चलते हैं। इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा और 3064 करोड़ रुपया इसके ऊपर, 3064 करोड़ रुपया दीघा से सोनपुर के बीच बनने वाले 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी के ऊपर बनेगा, ये 6 लेन केबल ब्रिज है, इसके निर्माण के लिए मंजूर किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी पुल के नीचे से आसानी से आ जा सकेंगे और जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है उस पर चलने वाले जहाजों की नेविगेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी निकले ताकि वाटरवेज, जिसको बल मोदी सरकार ने आकर दिया है, पहले एक भी नहीं था, अब 101 वाटरवेज पे काम चल रहा है। तो वहीं पर अगर मैं सड़कों की बात करूं नेशनल हाईवे की, तो 2013-14 में इसके लिए कुल बजट जब होता था तो 31,130 करोड़ रुपया होता था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। आप कल्पना कीजिए 2014-15 में मात्र 31,130 करोड़ रुपया बजट होता था, आज वो बढ़कर 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। और यही नहीं, हमारे 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गए, ये रिकॉर्ड वृद्धि है। अगर मैं 4 लेन हाईवेज की लेंथ की बात करूं तो 250% इसको बढ़ाया गया है, 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 46,179 किलोमीटर सब हो गए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि अब सरकार का फोकस जो है वो 6 लेन से 8 लेन हाईवेज की ऊपर भी है। तो मैं बिहार के इस पुल की एक बार फिर आपको थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूँ। ये 4.5 किलोमीटर लंबा
सिक्स लेन केबल ब्रिज बनेगा जिसके ऊपर 3064 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये दीघा से सोनपुर गंगा नदी के ऊपर बनेगा। इससे नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़े का अवसर मिलेगा और इस पुल के निर्माण से जहां एक और कनेक्टिविटी आम जनमानस के लिए तो अच्छी होगी ही, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए इसमें एक और से काफी सुगम हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी और गुड्स। प्रोजेक्ट बुद्ध सर्किट जो है उसके साथ भी इसका उसका हिस्सा है ये, वैशाली केसरिया अरेराज के लिए उन क्षेत्रों को भी इसका फर्क पड़ेगा। तो वहीं छपड़ा मोतिहारी और बेतिया जिलों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। ये प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी कनेक्टिविटी करेगा। ये दो ही निर्णय मुझे यहां पे बताने थे, ईपीसी मोड पर ये बनाया जाएगा। ये तीन निर्णय आपके सामने रखे गए। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे जो हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू हजार साला, जिया तू हजार तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहां हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं जानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।